हाल ही में अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ। कैंसर जैसी बीमारी और फिर कोलोन इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती हुए, फिर मुंबई में आखिरी सांसें ली। ऐसे दिग्गज अभिनेता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इरफान खान की पिछले ही महीने अंग्रेजी मीडियम फिल्म रिलीज हुई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो उनकी आखिरी फिल्म होगी। हालांकि इरफान के फैंस के लिए खुशखबरी है, इरफान की एक और फिल्म रिलीज होना बाकी है। दरअसल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसकी शूटिंग लंबे समय पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इंडिया में फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म का नाम बताया जा रहा है मंत्रा, सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। अब ये फिल्म कब रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स का क्या दावा है, आइए आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इरफान खान की फिल्म मंत्रा सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस रिलीज अभी तक नहीं हुई। रिपोर्ट्स का दावा है कि फिल्म इस साल के आखिरी वक्त यानी कि 2020 के आखिरी तक भारत में रिलीज हो सकती है। हालांकि इस फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है। साल 2015 में इस फिल्म को लेकर काम किया गया था। इस समय इमरान खान ने शूटिंग की। इसके दो साल बाद इसे कई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है। इरफान खान की ये इंटरनेशनल फिल्म राजस्थान से जुड़ी एक महिला सिंगर की कहानी है, जिसमें इरफान खान ने व्यापारी यानी कि एक बिजनेसमैन का रोल अदा किया है। इरफान खान ने हिंदी के अलावा इंग्लिश और ब्रिटिश फिल्म में भी काम किया। ब्रिटिश फिल्म दी वॉरियर्स तो ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई थी। तो इरफान के फैंस हो जाइए तैयार, इरफान की एक और फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है। कोरोना से देश मुक्त होने के बाद ही ये फिल्म जल्दी भारतीय पर्दे पर रिलीज की जाएगी।